आप सभी कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिये, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी युगल सरकार क्या है, युगल सरकार की सेवा कैसे की जाती है, उसके क्या क्या नियम है, या लड्डू गोपाल की सेवा के जो नियम है उनके बारे में भी इसमें कुछ बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को और मेरी बातों को जरा ध्यान से गौर करने की कोशिश कीजिए मेरी बातों पर कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और उन्हें समझिए अपने अनुसार। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, वीडियो रेगुलर देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए आपको याद दिला देती हूँ। तो प्लीज चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। युगल का मतलब किशोर या फिर यंग होता है, सरकार का मतलब हमारा खुदा, हम सब की सरकार, हम सब के ऊपर जो सरकार है, जो होल्ड करती है, जो सरकारों की सरकार है, हमारा खुदा परमात्मा भगवान को सरकार कहते हैं। तो युगल सरकार, हम राधा कृष्ण के जोड़े को युगल सरकार कहते हैं, सिंपल सा है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि युगल सरकार क्या हम घर में रख सकते हैं, क्या इनको, युगल सरकार को घर में रखने के क्या क्या नियम होते हैं, उनकी सेवा के क्या क्या नियम है, लड्डू गोपाल की सेवा के क्या क्या नियम है, हमें बताइए। लोग इस तरह से पूछते हैं जैसे कोई डर उनके अंदर कहीं ना कहीं बैठा है लोग के भगवान को लेके, कि प्रेम कम, उनकी बातों में डर ज्यादा नजर आता है कि क्या है अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, ये बात ठीक से नहीं हुई तो कुछ अनर्थ ना हो जाए, ऐसा कुछ डर उनके अंदर बैठा हुआ होता है। तो मैं बता दूं सबसे पहले, तो अगर आप सेवा के नियम की बात अगर करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा के नियम है या युगल सरकार की सेवा के नियम, ऐसी कोई रूल बुक नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र या कोई कुछ है नहीं जहाँ पर पर्टिकुलर लिखा हो कि निम्नलिखित ये नियम है भगवान की सेवा के, अर्थात ये भगवान की सेवा के नियम है, ये आपको अपनाने हैं, ऐसा कुछ ऐसा कहीं मेंशन है नहीं। नियम पर्टिकुलर इसलिए नहीं होते, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि या तो एक प्रेम और सेवा की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी किया जा सकता है। अगर आप युगल सरकार ला रहे हैं और आप पूछना चाहते हैं कि भाई हमें नियम बता दो उनके, तो मैं बता दूं कि भाई ऐसे पर्टिकुलर कोई नियम नहीं है, निम्नलिखित कहीं लिखा हुआ ऐसा नहीं है कि ये आपको करना ही करना है, वो सब भक्त की, हर एक इंसान की अपनी इच्छा के अनुसार होता है, वो क्या करना पसंद करता है भगवान के लिए, क्या वो अच्छे से कर सकता है भगवान को खुश करने के लिए, तो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ है नहीं, रूल बुक नहीं है कि जहाँ पर लिखा हो कि अगर कोई आपको बता रहा है उनके नियम की लड्डू गोपाल की सेवा के नियम ये है और युगल सरकार की सेवा के नियम ये है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहा है या फिर अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा है, जो जो उसने अनुभव करा वो आपको वो बता रहा है। लेकिन ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि आपको ये ही करना है। अगर आपको कोई बता रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा है। अगर मैं भी बताऊंगी, अभी मैं भी आपको बताने लग जाऊं, मैं भी एक वीडियो बना दूं, हाँ लड्डू गोपाल की सेवा के ये नियम है, युगल सरकार की सेवा के ये नियम है, लोग मान जाएंगे, हाँ ठीक है, हाँ ये होते होंगे, कहने को बताने को मैं भी बता दूंगी, लेकिन वो मेरे एक्सपीरियंस के अनुभव पर होगा, वो मेरे अनुभव के ऊपर डिपेंड होगा और वो मेरे बुद्धि के अनुसार होगा। आपको खुद को देखना है, आप अपना कुछ ढूंढिए, आप अपना देखिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं भगवान के लिए, आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो आप भगवान के लिए बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जिसको करने में आप बहुत प्रसन्नता महसूस हो भगवान को। जैसे रस खान जी, उन्होंने सिर्फ एक सेवा ली कि मुझे इस कृष्ण बालक को ये जूते पहनाने हैं, उसके पैर में पैर चुभते होंगे जब वो जमीन पे चलता होगा, मुझको उसके जूते पहनाने हैं। सिर्फ एक सेवा उसने ऐसी ठानी जिसको पहनने के लिए भगवान स्वयं आए। जिस तरह प्रेम कितना भी किया जा सकता है, प्रेम की कोई अमाउंट थोड़ी ना कि हाँ इस तरह से किया जाएगा या इतना किया जाएगा, कितना अमाउंट में किया जाएगा, उसी तरह सेवा भी ऐसे ही है। सेवा कितनी भी की जा सकती है, सेवा की कोई लिमिट नहीं है, कोई ताह नहीं है सेवा की, कितनी भी आप कर सकते हो, जितनी करो उतनी कम है। स्नान कराना, भोग लगाना, श्रृंगार करना, ये सब है तो ये तो बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं। सेवा ऐसी ऐसी कई तरह की सेवा हो सकती है, बहुत तरह की सेवा होती है, उनकी मालिश करना, चरण दबाना, पंखा हिलाना,
भगवान को रोज स्नान कराना, भगवान के सामने नृत्य करना, ये भी एक सेवा है। भगवान के लिए गाना गाना, उनके लिए गीत गाना, उनको प्रसन्न करने के लिए, ये भी एक सेवा है। सेवा कई प्रकार की होती है, जिसकी भी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी की जा सकती है। लेकिन ये आपको ढूंढना है कि आप किस प्रकार, कौन सी सेवा आप उनके लिए बेहतर कर सकते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होकर आपके पास खुद चले आए उस सेवा को लेने के लिए। भगवान का कुछ पता नहीं, भगवान आपकी कौन सी चीज पर रीझ जाए, कौन सी बात पर आपकी रीझ जाए। वे एक चोर पर रीझ गए, जो कि उनके गहने चुराने के उद्देश्य से निकला था, तो उनका हम कुछ नहीं कह सकते कि वे आपकी कौन सी सेवा से प्रसन्न हो जाए, कौन सी चीज से खुश हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। आप एक काम करिए, अगर आप युगल सरकार या लड्डू गोपाल दोनों को ही मैं इसमें लेके चलती हूँ, या तो मेरी एक सलाह मान लीजिए, कोई भी एक ऐसी सेवा पकड़ लीजिए जो आप नियम के अनुसार डेली कर सके, रोज कर सके, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं चले जाए या कुछ भी कारण हो, लेकिन वो सेवा ना छूटे। क्योंकि कई सारी सेवा करना नियमित रूप से बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सेवा नियम से करना आसान है। वो ऐसी पकड़िए उस सेवा को कि इसको प्राण जाए लेकिन वो सेवा ना छूटे। जैसे कि रात को एक गिलास दूध रख दिया किसी भी मिठाई के साथ, कोई मिठाई है घर में तो उसके साथ, नहीं है घर में तो गुड़ रख दिया, लेकिन ये एक गिलास दूध की सेवा जैसे ऐसे आपने पकड़ ली कि आप डेली रखते हैं, और कुछ हो ना पाए या हो पाए, एक सेवा आपने ऐसी पकड़ ली और वो आपको अच्छा लगे उनके लिए दूध बनाना और रखना। अब वो आप ना करें तो आपको ऐसा लगे जैसे पता नहीं आज मैंने क्या नहीं किया। अब डेली करें। अब कई लोग पूछने लगे कि दीदी कितना एक गिलास दूध देना है या कौन सी मिठाई रखनी है। अरे नहीं भाई, ये आप यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या करना है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपके ठाकुर को पसंद है। इसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपका और भगवान का संबंध है जो आपस में आपको बताएगा। अगर आपको भगवान के लिए कपड़े सिलने पसंद है तो आप वही करने लग जाइए, खाली उनको कपड़े सिल सिल के पहनाइए, लेकिन वो नियम ऐसा कर लीजिए। तो एक दिन ऐसा आया कि भगवान को सिर्फ आप ही के सिले हुए कपड़े पसंद आएंगे आपके ठाकुर को, और किसी के कपड़े पहनेंगे ही। एक दिन ऐसा आएगा अगर आप दूध का और पेड़े का रोज भोग लगाते हैं तो वे एक दिन वे पेड़ा जरूर खा कर जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, यकीन है, आप करके देखिए। लेकिन उस प्रेम भाव से एक सेवा ऐसी पकड़ लो जो नियमित कर सको, चाहे आपके पास युगल सरकार है, चाहे लड्डू गोपाल है, कोई भी रूप है। मेरे पास बड़े कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल स्वरूप में पूजा मैं नहीं करती, मेरी माँ करती है। मैं बड़े स्वरूप कान्हा की पूजा करती हूँ, मैं डेली नहलाती हूँ उनको, मुझे अच्छा लगता है उनको नहलाना, फिर उनका श्रृंगार करना। बड़े रूप है उनका, और उन्हीं की मैं कभी श्री राधा का श्रृंगार कर देती हूँ बांके बिहारी जी की तरह, उन्हीं का ही मैं कभी कृष्ण का श्रृंगार कर देती हूँ। तो एक कारणवश मैं कहीं गई थी, किसी कारणवश गई थी, तो मैं अपनी मम्मी को बोल के गई थी कि मम्मी इनको स्नान करवा देना। मम्मी को डर लगा कि बेटा तू मुझे स्नान का काम मत दे, मैं और भोग वगैरह लगा दिया करूँगी, कि स्नान तो ये तेरे हाथों से ही करेंगे, अच्छा लगेगा क्योंकि ये बड़ा रूप है। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैंने बोला नहीं मम्मी कर देना, कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ कर देना। तो मम्मी ने कर दिया, जब मैं कह के गई थी तो मम्मी को फिर जब दिन जिस दिन स्नान कराया उसी रात को मम्मी को सपना आया, स्वप्न में ही मेरे ठाकुर जी उनको दिखाई दिए, जैसे वे उनको नहला रही हैं। जैसे ही वो उनको नहला रही हैं तो वे छोटे रूप में बदल गए और उनका हाथ पकड़ लिया। ये स्वप्न जब मम्मी ने मुझको सुबह फोन पे बताया कि बेटा ऐसे ऐसे, मैंने तो तुझको पहले ही कहा था कि मेरे हाथ से नहाना में थोड़ा झिझक मानेंगे, अच्छा नहीं लगेगा उनको, क्योंकि ये तेरा ही संबंध इनके साथ ऐसा है, तू ही नहला सकती है, मैंने तुझे पहले ही कहा था, और अब ये देख। तब मैं समझ गई थी कि हाँ, कि उनको मेरे नहलाने की सेवा तो कम से कम पसंद है। तो इस बात को मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई थी। देखिए, युगल सरकार की अगर हम बात करें, बहुत से लोग लाना चाहते हैं, मन में अच्छा लगता है उन्हें, या लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, बड़े वाले इधर उधर से देख के उनको पसंद आ गए, तो मैं उनको एक बात बता दूँ कि अगर आप युगल सरकार बहुत से ले आते हैं कि घर में अच्छे लगेंगे, इस कारण से तो ना ही लाएं। अगर आप कोई भी विग्रह लाते हैं, कोई भी, उनकी सेवा करते हैं अगर, तो उनमें प्राण आते हैं, वे भगवान होते हैं आपके लिए भी साक्षात। लेकिन अगर उनकी सेवा नहीं हो पाती, सेवा मतलब कि वो ये नहीं कि नियमित सेवा या कुछ ऐसे, लेकिन अगर आपका उससे अटैचमेंट नहीं है, आपने सिर्फ एक अपने ड्राइंग रूम में उनको लाकर रख दिया दिखाने, घर की शोभा बढ़ाने के लिए, तो वो सिर्फ एक सजावट का शोपीस बन जाएगा।
वो भगवान नहीं होंगे, इससे बेहतर तो है कि आप कुछ और ले आए उनको लाने की बजाय, कोई सजाने के लिए केवल उनको ना लेकर आए। जिस तरह मंगलसूत्र शादी होने से पहले तक एक सजावट का एक लॉकेट मात्र होता है, गहना होता है, लेकिन शादी होते ही पति को पत्नी को उसे पहनाते ही उसका जो वैल्यू है वो उसके सुहाग के बराबर हो जाती है। वो फिर लॉकेट या सजावट का कोई गहना नहीं रहता, वो साक्षात उसका सुहाग का निशानी बन जाती है। उसी तरह अगर आप मूर्ति अगर आप ले आए, जब तक आप उससे प्रेम नहीं होगा आपका, वो एक शोपीस रहेगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप उसे प्यार प्रेम करते हैं, उनकी सेवा अगर करते हैं, तो वे भगवान होंगे। तो चलिए, ऐसी और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जिनको ये नॉलेज चाहिए उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वे भी अपने संदेह मिटा सकें। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ, एक और नई प्रॉब्लम के साथ। हरे कृष्णा।